कुछ ही दिन कांग्रेस वापस करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपको मालूम है नमस्कार आप सभी पत्रकार बंधुओं को, सम्मानित मंत्रिमंडल के हमारे सभी सदस्यगण, सम्मानित हमारे विधायक, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुखावित जो हुआ हूँ उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि तकरीबन एक वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में थी और 14 महीने के कार्यकाल में उस प्रकार की आर्थिक स्थितियों पर हमने नियंत्रण पाया, जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हो और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटीज हो, उसके बाद दिन प्रतिदिन का खर्चा करने की जिस प्रदेश के पास धन ना हो, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कार्यक्रम के द्वारा हमने इस आर्थिक समस्या का सामना किया। उसके बाद प्रदेश में फिर आपदा आई। आपदा के बाद कभी हमने कल्पना भी की थी इतिहास की इतनी बड़ी आपदा हमारे जीवन काल में हमें देखने को मिलेगी। तकरीबन 4,000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए और 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए। उन परिवारों को बसाने की जरूरत थी। पाई पाई जोड़कर जिस परिवार ने एक घर बनाया होता है उन घरों को बसाने की जरूरत थी और हमारी सरकार ने उन घरों को बसाने के लिए और जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर थे उस नुकसान का जायजा लिया और हमने नियमों में परिवर्तन किया, कानून बदल दिया उन परिवारों की सहायता करने के लिए। यही नहीं, जब हमारी सरकार बनी हमने उसमें कुछ गारंटियों का वादा किया था। उसमें पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर थी कि हम अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाएंगे और हमने पहली कैबिनेट में वो करके दिखाया। निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण हमारे पर कई प्रतिबंध लगे, लेकिन हम उन प्रतिबंधों से ना घबराकर हमने कहा हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो है, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उन सभी को इस सरकारी पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारी पहली गारंटी को हमने पूरा करने का अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति निभाई। उसके बाद हमारी दूसरी गारंटी थी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को हमने शुरू किया। 3 चरणों में हमने शुरू किया और पहले चरण में हमने ई टैक्सी के रूप में शुरू किया, दूसरे चरण में हमने स्वरोजगार की दिशा में बढ़ते हुए सोलर पैनल योजना का हमने शुभारंभ कराया और तीनों चरण में हमने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की। तीसरी गारंटी हमारी थी कि प्रत्येक विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हुई कि अगले एकेडमिक सेशन से जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें प्रथम कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार
हमने गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गाय का दूध का मूल्य में इतिहास की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की। जो गाय का दूध मिलक फेडरेशन सरकारी जो संस्था है हमारी 32 रुपए किलो खरीदा जाता था, उसको हमने बढ़ाकर 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि करके 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलक फेडरेशन के द्वारा खरीदा जाएगा। और भैंस के दूध में 23 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की गई। मिलक फेडरेशन द्वारा जो 32 रुपए खरीदा जाता था उसमें 23 रुपए बढ़ाकर 55 रुपए किलो के हिसाब से भैंस का दूध खरीदा जाएगा। गाय और भैंस के दूध का MSP देने वाला हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, गोबर का उपयोग किया जाए, गोबर से की जाने वाली खेती पर भी हमने प्राकृतिक खेती के रूप में 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं और 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्का की खरीदने की हमने योजना बनाई। हम हिंदुस्तान के पहले राज्य बने जिन्होंने प्राकृतिक खेती पर MSP को लागू किया। इस प्रकार इन योजनाओं का दायरा बढ़ता गया। धीरे धीरे जब हमारा दूसरा बजट हमने प्रस्तुत किया, उस बजट में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें मनरेगा की मजदूरों की दिहाड़ी प्रतिदिन 60 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए हमने उसमें बढ़ोतरी की, 300 रुपए कर दी गई। कई बार देखा गया राजनीतिक क्षेत्र में सब चीजें 5 वर्ष के भीतर में की जानी होती है, और 5 वर्ष के भीतर में की जाने के लिए हमें जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुनकर भेजा गया। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। वो गारंटी बार बार, क्योंकि विधानसभा के सत्र के समय जब मैंने बजट का रिप्लाई देना था उस समय इसकी घोषणा करनी थी, लेकिन हो हल्ला के बीच में वो घोषणा करना मैंने उचित नहीं समझा। आज हम जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है और उनके जीवन भर तक जब तक वो इस संसार में रहेंगी, 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। इस गारंटी को हमने लागू करने का निर्णय लिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते थे गारंटियों का क्या हुआ। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक गारंटी प्रदेश की नारी शक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रति माह रुपया 1500 सम्मान राशि प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमने प्रथम चरण में जिला लाहौल स्पीति की बहनों को इस सम्मान राशि का हकदार बना दिया है। इस कड़ी में एक कदम आगे बढ़कर हमने प्रदेश की लगभग 2,45,000 बहनें व माताएं जो रुपया 1100 व 1150 प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रही थी को भी रुपया 1500 प्रति माह पेंशन 1 फरवरी 2024 से प्रदान कर दी गई है। इस योजना का नामकरण इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदेश की बहनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता दर्शाता है। इस वचन पूर्ति हेतु हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। मैं इस योजना को जिला लाहौल स्पीति के बाद पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवार सीधे सीधे जुड़ेंगे। इस योजना द्वारा हम प्रत्येक परिवार से 18 से 60 आयु वर्ग की बहनों को अगले वित्त वर्ष से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदान करने का वचन दे रहे हैं। ये गारंटी हमने दी थी और आज हम इस गारंटी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मुझे कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।
धन्यवाद। तकरीबन अभी जितने भी महिलाएं आएगी इसमें, अभी इसके फॉर्म भरवा के हम सबको बता देंगे, तकरीबन 5 लाख से ऊपर महिलाएं, 18 से 60 के बाद हमारी ऑलरेडी पेंशन योजना चल रही है, जिसका टॉप ऑफ हमने 1150 से 1500 किया। 800 करोड़ के करीब हमारा प्रति वर्ष इसमें अमाउंट होने। सर सीएम साहब, जिस तरह से जो एपिसोड हुआ पीछे, जो एपिसोड अभी पॉलिटिकल हुआ है पीछे, धन्यवाद, ये तो बोलते रहते हैं, थैंक यू। Thank you.